कोरोना महामारी के संकट के दौरान महिला स्व सहायता समूहों ने, आप सबने जो बहुत जरूरी काम थे, मास्क बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का, पीपीई किट बनाने का, यहां तक के कई जगह सब्जी दूध घर जाकर वितरण भी किया। मेरी बीसी सखियों के द्वारा 20-20.5 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों की बेहतर व्यवस्था बनाने में महिला स्व सहायता समूहों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बनाए आप लोगों ने, और महामारी की जानकारी, उससे बचने के उपाय सबको बताने के लिए प्रचार और दीवार पर पेंटिंग से लोगों को जागरूक भी किया है। इन सब कामों के लिए मेरी सभी बहनें बधाई की पात्र हैं। कोरोना महामारी ऐसा लगता है अभी चलेगी। हम लोग रोज टीवी खोलते हैं, अखबार देखते हैं, कोरोना के बारे में लगातार समाचार आते रहते हैं। इस संबंध में 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। 1, कोई दवाई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख को यह महामारी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमको कोरोना के साथ ही काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी यह कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी प्रांतों से कुछ समाचार आते हैं वो चिंताजनक आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल अपन ने किया है। पिछले कई दिनों से लगभग 200 के आसपास केस रोज आते हैं पॉजिटिव, लेकिन संतोष की बात यह है कि लगभग इतने ही लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौट जाते हैं। औसत ज्यों का त्यों बना रहता है लगभग। अब हमारे यहां 2700 के आसपास एक्टिव केस कहते हैं इनको, मतलब जो ठीक नहीं हुए अस्पतालों में भर्ती है। बाकी कई लोग, हजारों लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इंदौर और भोपाल में नियमित एक बड़ी संख्या निकलती है, लेकिन वो भी 50-60-70 पे स्थिर हो गई है। बाकी जगह 2, 4, 5, 1, और यह भी इसलिए कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन जो आए मध्य प्रदेश में, वह हमारे अपने हैं, उनसे अमानवीय व्यवहार हम कर नहीं सकते, उनको अपने घर में लाना ही था। लेकिन उसके कारण भी कई जिलों में कोरोना पहुंच गया। अब आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, कोरोना के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, हमको भी उससे बचना पड़ेगा, और बचने के तरीके यही है जैसे आप बैठे हो दूर दूर। अपने प्रधानमंत्री जी ने हमको मंत्र दिया 6 फीट की दूरी रखें। तो आप जहां काज करने जाएं, जाना तो पड़ेगा, रोजी रोटी रोजगार, अपना काम धंधा व्यापार, जरूरी काम, उनके लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन यह स्व सहायता समूहों की ड्यूटी है, कर्तव्य है
कि वो सबसे पहले खुद अनुशासन का पालन करें। मतलब हम समूह के लोग तो हैं, लेकिन समूह पास पास नहीं होगा, भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। समूह की मीटिंग करेंगे तो अभी हमारी दूरी 6 फीट होनी चाहिए, चेहरे पर फेस कवर, मास्क जो आप खुद ही बना लेते हैं आजकल, तो वो लगा के रखे रहना चाहिए, अपने सैनिटाइजर से या साबुन से लगातार हाथ धोते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका पालन हमने नहीं किया तो कोरोना बढ़ने का खतरा रहता है। पहली बात मैं आपको कहता हूं, हम इस खतरे को नहीं बढ़ाएंगे। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह एक आदर्श उपस्थित करेंगे मध्य प्रदेश में, कि वो इन नियमों का पालन करेंगे कोरोना से बचने के। पहली चीज हम खुद पालन करें, फिर दूसरी चीज हम बाकी से पालन करवाएं। मैं आपको जवाबदारी दे रहा हूं, आप जिन गांवों की रहने वाली बहनें हैं, वो बहनें संकल्प लें कि हम अपने गांव को जागरूक करेंगे, कोरोना से बचाएंगे। परिवार में भी हम वैसे व्यवहार करेंगे, पति पत्नी बच्चे उनको भी सिखाएंगे और ग्रामवासियों को भी सिखाएंगे कि भाई दूर रहना है दुकान, क्योंकि कोरोना से बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के, जनता के सहयोग के, हम अकेला प्रशासन नहीं लड़ सकता। तो मैं चाहता हूं उस लड़ाई में बहनें सहयोग करें और पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से जो मेरी सामने बैठी हैं यहां, बोलिए आप कोरोना से बचने के जितने नियम हैं उनका पालन करेंगी क्या? बोल के बताएं वहां से, करेंगे? हाथ उठा के बता दें। अच्छा, करेंगे? मेरी सब बहनों ने हाथ उठाया, करेंगे। बहुत अच्छा, तो सबसे पहले तो हम पालन करेंगे। अब दूसरी चीज, हम अपने गांव में जहां से हम आते हैं या शहर से अगर कोई है तो वार्ड में इन नियमों का पालन करवाएंगे, उसमें हम सहयोग करेंगे। करेंगी सब बहनें सहयोग? सब करेंगे, क्योंकि हमको इस महामारी से बचना है। चलो, मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूं, वो खुद भी नियमों का पालन करेंगी और वो गांव में भी जागरूकता पैदा करेंगी कि हमको बचना है तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसी तरीके से कोरोना को मारा जा सकता है, हराया जा सकता है। अब मैं एक तो आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार स्वसहायता समूह से कौन कौन सा काम करवाएगी ताकि समूह की आमदनी बढ़ जाए, और उसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा, पहले जो जो काम करवाने उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी भी आपके पास है। एक तो ये मास्क बनाने का काम लगातार करते रहना है, क्योंकि अब ये जिंदगी मास्क के सहारे चलेगी, 4 महीने 6 महीने 8 महीने कब तक मैं कह नहीं सकता, तब तक मास्क की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए एक तो मास्क बनाने का काम,
दूसरा बच्चों की गणवेश बनानी है, स्कूल की यूनिफॉर्म। अभी स्कूल कब खुलेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो हालात अभी दिख रहे हैं उसमें जुलाई में तो हम स्कूल नहीं खोलने वाले ऐसा लग रहा है। जून के अंत में एक बार फिर समीक्षा करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म तो तैयार करना है। तो 1,03,00,000 बच्चों की स्कूल की गणवेश, यह हमें अपने स्वसहायता समूहों से बनवाना है। लगभग 400 करोड़ रुपए का काम मिलेगा स्वसहायता समूहों को। तो मैं अपनी बहनों से यह भी पूछना चाहता हूं, क्या आप गणवेश बना लेंगे? बना लेंगे, चलो बहुत अच्छे। तो ये गणवेश बनाएंगे तो 400 करोड़ रुपए का काम मिलेगा। तो हर स्वसहायता समूह जो गणवेश बनाएगा उसके सदस्यों को कुछ ना कुछ फायदा होगा। अनुमान है कि लगभग 50,000 स्वसहायता समूह के सदस्य इन काम में लगेंगे। दूसरा फैसला हमने कहा कि टेक होम राशन, ये भी स्वयं सहायता समूहों के संघ बनाएंगे और इसके लिए 7 फैक्ट्रियां अपनी बन रही, 5-5 चालू हो गई। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, बीच में नहीं था, तब अपन ने 7 फैक्ट्री स्वसहायता समूहों की बनवाने का फैसला किया। बैंक से लोन और बाकी सहयोग सरकार ने किया, उनमें से 5 फैक्ट्री बनकर तैयार है, उनमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। कितनी, 2 बची हैं? 2 बची हैं सर, वो भी और 2 का काम चल रहा है। ये 7 फैक्ट्री आपकी है बहनों, आपके संघों की, और इन 7 में जो काम पहले करते थे बड़े ठेकेदार, अब ठेकेदार का ठेका नहीं, मेरी बहनों का स्वसहायता समूह ये काम करेगा। और ये काम भी लगभग 700 करोड़ रुपए का हर साल होता है। हमारे स्वसहायता समूह ये काम करेंगे तो एक तो अच्छा टेक होम राशन बनेगा, क्योंकि मेरी बहनें मां की ममता से भरी हुई हैं और इसलिए वो चाहेंगी कि हम अच्छा टेक होम राशन, मतलब घर पे ले जाके बच्चों को जो खिलाते हैं वो राशन बनाएंगे। कारखाने वाले नहीं बना सकते इतना अच्छा जितनी बहन बना सकती, क्योंकि वो बच्चों की तकलीफ जानती है। अच्छा बनाओगी ना आप? अच्छा बनाएंगे भी तो बहुत अच्छे। ये 700 करोड़ रुपए का काम भी स्वसहायता समूहों को, पहले 5 फैक्ट्री फिर 7 फैक्ट्री, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे सोचेंगे, आपके माध्यम से ही किया जाएगा। और आंगनबाड़ियों में वितरण के लिए भी इस राशन को सप्लाई का काम भी स्वसहायता समूहों को ही दिया जाएगा, ताकि ढंग से बच भी जाए। अब बच्चों का राशन कोई और बेईमान खा सकता है, लेकिन मां कभी नहीं खा सकती, बहन कभी नहीं खा सकती, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? है सही बात है, क्योंकि बच्चों का ध्यान आप ज्यादा रखोगी। और इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतर्गत नर्सरी, गौशाला, पशुशेड, खेत तालाब, फलदार वृक्षारोपण का काम भी हम स्वसहायता समूहों से करवाएंगे। अभी हमें रहता है नर्सरी, गौशाला, पशुशेड, खेत तालाब,
फलदार पेड़ लगाना, और ये काम भी 252 करोड़ रुपए का हर एक साल दिया जाएगा। तो ये काम भी कर लेंगी मेरी बहने? चलो बहुत अच्छे, इस काम में भी समूह को भी लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा। फिर आदिवासी कल्याण विभाग के माध्यम से समूह के सदस्यों के विकास के लिए, सदस्यों की आजीविका विकास के लिए 65 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में 1000 समूह सदस्यों के लिए 12 करोड़ की मुर्गी पालन और सब्जी उत्पादन की योजना भी स्वीकृत की गई है। अब अपनी कई बहनें तो पीपी किट बहुत अच्छा बनाया उन्हें, समूह की बहनों ने, पिछली बार जब मैं चर्चा कर रहा था तो उन्हें दिखाए भी थे मुझे, इसलिए ये पीपी किट चाहिए। अच्छा, पीपी किट एक तो डॉक्टर को, नर्स बहनों को चाहिए जो अस्पताल में पेशेंट के पास काम करते हैं, लेकिन दूसरा पीपी किट चाहिए पुलिस के हमारे भाई बहनों को। बहनें भी बड़ी संख्या में पुलिस में, मामई ने भर्ती करवाई थी, 30% बहनों की भर्ती होगी पुलिस के बल में, ये मैंने ही तय करवाया था। और कई पुलिस की बेटियां काम बहुत अच्छा कर रही है, कोरोना से बचाव के काम में भी सब लगे हैं। और इसलिए हम 90,000 पीपीई किट आपसे तैयार करवा के पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस को देंगे, ताकि वो भी कोरोना से अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए बच सके। 7 जिलों में सैनिटरी नैपकिन का काम भी इन समूहों को देने का फैसला किया गया है। तो ये तो सरकार की योजना एक कि जिसके कारण कई 100 करोड़ रुपए का काम समूहों को मिलेगा, और समूह हमारे बहनों के सशक्त बनेंगे, मतलब मेरी बहन सशक्त बनेगी, और बहन अगर सशक्त हो गई तो समाज सशक्त होगा। लेकिन एक बात और करना चाहता हूं आपसे, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम यथासंभव अपने जरूरत की चीजें अपने यहां ही बनाएंगे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए हम बनाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे, तो ये ध्यान से सुनना, ये बनेगा जब हम अपनी जरूरत की चीजें अपने आसपास ही बनाएंगे। जितनी जरूरत हमें हमें गांव में, गांव के आसपास के गांव में, पास के शहर में, बाजार में, रोजमर्रा की जरूरत पड़ती है। अब आजकल अगर सामान्य तौर पर भी देखें, साबुन, तेल, सैनिटाइजर, छोटी छोटी कई चीजें, पेस्ट रहता है जिससे दांतों में हम दांतों की सफाई करते हैं, कपड़े कई तरह के बन सकते हैं, अगरबत्ती, बड़ी, पापड़, अचार, ये तो बनाते ही हैं, कई कलाकार है तो स्थानीय
स्तर पर मूर्तियों के निर्माण से लेकर अनेकों तरह की दूसरी चीजें बनाना, आयुर्वेदिक काढ़ा जैसी दवाइयां बना लेना, दोना पत्तल जैसी चीजें बना लेना, मास्क जैसी चीजें बना लेना, क्या हम साड़ी बना सकते हैं, रेडीमेड कपड़े सिलकर तैयार कर सकते हैं। एक बार सोचो जरा, कौन कौन सी चीजें हम बना सकते हैं। मेरी प्रिय बहनों, मैं चाहता हूं कि हमारे आसपास जितनी चीजें लगती है वो हम बनाने की कोशिश करें। जब बाहर की कंपनी में चमकदार माल आता है तो कोई इसका मतलब ये थोड़ी कि गुणवत्ता में भी बहुत अच्छा है। अभी एक कंपनी अगर कोई साबुन लक्स बना ले या कोई और बना ले तो मैं किसी साबुन की कंपनी का बात नहीं कर रहा, अलग अलग, लेकिन कंपनी से अच्छी हम नहीं बना सकते क्या, बताओ। अब वो तो प्रचार प्रसार करते हैं और इसलिए कहीं सुंदरता का राज साबुन को बता देते हैं। अब साबुन से सुंदर होते कि नहीं होते अलग बात है, लेकिन उस प्रचार के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। उससे अच्छी साबुन, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, रोजमर्रा की जरूरत की बाकी चीजें जिनका मैंने नाम लिया है। अब गणेश जी की मूर्ति हम क्यों नहीं बना सकते, चीन से क्यों विद्युत बल्बों की लड़ियां आए हम क्यों नहीं बना सकते, लक्ष्मी जी की पूजा हमारे यहां होती है और मूर्ति बनाए चीन, हमारे समूह क्यों नहीं बना सकते। कई चीजें मैं गिना सकता हूं आपको। आज मैं आपको ये काम दे रहा हूं, अपने समूह की मीटिंग करो और सोचोगे इनमें से कौन सी चीज हम बना सकते हैं। विभाग आपको सहयोग करेगा, सरकार बैंक लिंकेज करवाएगी, समूह को पैसा दिलवाएगी, वो पैसा बाद में आप वापस करेंगे। आप जो चीज बनाओगे उसकी मार्केटिंग भी कैसे हो उसका इंतजाम में भी हम पूरा सहयोग करेंगे। आपको बाजार उपलब्ध करवाने की कोशिश की भी जाती है और ज्यादा की जाएगी, लेकिन मेरी बहनों मैं चाहता हूं, बड़ी ताकत है तुम में, बड़ी क्षमता है तुम में, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश बदल सकती हो। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बदलने में मैं आपका योगदान लूं। आप जो चीज बनाना चाहेंगे उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, विशेषज्ञों को आपके साथ जोड़ेंगे जो आपकी सहायता करेंगे, आपको रास्ता दिलाएंगे। और फिर जैसा मैंने कहा कि बनाए सामान की बिक्री हो, मार्केटिंग ब्रांडिंग वो काम भी हम करेंगे। बहनों ने कई जगह चमत्कार करके दिखाया है, जब दूसरी बहनें कर सकती तो हम चमत्कार क्यों नहीं कर सकते। सिंगरौली में पोल्ट्री का काम शुरू हुआ, इसके पहले केसला विलाक में, अभी नुकसान हो गया उनको, मुझे पता चला है लॉकडाउन के कारण मुर्गी वाले काम धंधे में। उनसे बात करके कैसे उनका काम फिर ठीक चले हम कोशिश करेंगे, लेकिन उनका 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया। वो मुर्गी का दाना बनाने की एक फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, उसका पिछली बार मैं उद्घाटन करके आया था।
ताकि दाना खरीदे भी पैसे बचा सके हम। बाहर से महंगा क्यों खरीदे, हम ही बनाएंगे। तो आज ठंडे दिमाग से सोचना सब। और मेरा संदेश, जो बहने नहीं जुड़ी है मुझसे, आज कितनी बहनें जुड़ी होगी हमसे, क्या है और उनको सूचना गई थी कि आज सुनना है, तो मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं जो लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ी है, ये चुनौती हमको स्वीकार करनी है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए हम कोई ना कोई चीज बनाएंगे और बेचेंगे, हम खुद भी फायदा कमाएंगे और हम समाज को ही आसपास चीजें उपलब्ध कराएंगे। एक नया आंदोलन मैं शुरू करना चाहता हूं, बहने क्रांति करेगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की क्रांति। और आप कर सकती हो, इसलिए आज अपील और आह्वान करता हूं, केवल छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, अब बड़ा करने का सोचेंगे। और एक बार राह मिल गई और हम चल पड़े तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हम क्यों गरीब रहे जी, हम भूखा रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हम मेहनत करेंगे, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे, सरकार से सहयोग लेंगे, बैंकों से सहयोग लेंगे और अपना नया उद्यम खड़ा करके दिखा देंगे जो आसपास के लोगों की जरूरतें पूरी करेगा, आसपास के शहरों में भी हमारा सामान जाएगा। यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश दो चार उद्योगपतियों से नहीं बनेगा, यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा लाखों लाख बहनों के परिश्रम से। हमारे स्थानीय उद्यमियों से, और मेरी प्रिय बहनों, मैं उसमें आपका सहयोग चाहता हूं। छोटा नहीं बड़ा सोचो, चिंता मत करो, हम साथ हैं ना आपके, मिलकर काम करेंगे। जो जो समूह तैयार होंगे उनसे बात करेंगे, कौन सी चीज बनाएंगे, विशेषज्ञों से उनको जोड़ के चर्चा करके तय करेंगे, फिर बैंकों से उनको जोड़ेंगे, बनी चीज की मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे, ब्रांडिंग की व्यवस्था करेंगे। हो सकता है आज जो मैं बात कह रहा हूं वो थोड़ी लग रही हो कि बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये संभव है, ये हो सकता है, ये करना ही पड़ेगा। बताओ बहनों, तैयार हो क्या? सब बहनें तैयार है, तो आज से मैं इस नए आंदोलन की घोषणा करता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का आंदोलन, जो हम अपने परिश्रम से बनाएंगे। मेरे साथ मुख्य सचिव बैठे हैं, बाकी अधिकारीगण बैठे हैं, इसकी ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे और जो समूह तैयार होगा कि नहीं हम करेंगे, उसकी पूरी मदद करेंगे। जैसा मैंने बताया कौन कौन सी चीजें बन सकती है, उसके लिए तकनीकी सहयोग की जरूरत हो, विशेषज्ञ की जरूरत हो, बैंकों से बातचीत और फिर बने हुए सामान की मार्केटिंग की बातचीत सब करेंगे। एक विचार ही क्रांति पैदा करता है, बड़ा काम करवाता है। आज एक विचार मैंने आपको दिया है, इस पर सोचो,
संबंधित अधिकारियों को यहां से निर्देश होंगे, वो समूह की फिर बैठ के करेंगे, बैठ के आपके साथ चर्चा करेंगे, अगल बगल की आवश्यकताओं के बारे में पता करेंगे और फिर क्या चीज और आप बना सकते हो उसका तय करेंगे और फिर बैंक लिंकेज और बाकी चीजों की बात जैसा मैंने बताया करेंगे। मनोज जी, जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको इस काम में लगा दीजिए। जो संभावनाओं से भरे हुए हमारे समूह है उनसे चर्चा करके और वहां का प्लान तैयार करें। उसकी और पूरी रूपरेखा के लिए हम लोग एक बार अलग से मीटिंग करेंगे, लेकिन तब तक बहनों आप सोचना शुरू करें ताकि हम काम प्रारंभ कर सकें। और अगली बार जब मैं आपसे चर्चा करूंगा तो ठोस रूपरेखा लेके आपके सामने आऊंगा कि सरकार ने यह सोचा है। तब तक आपके संबंधित अधिकारी आपके साथ बैठ के जो ग्रुप काम करना चाहता उसके साथ मिलके, जो सक्षम ग्रुप है उसके साथ मिलकर तय करेगा कि यहां कौन सी चीजें हमको बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कुछ बहनों से मैं जुड़ी तो मेरी बहुत सी बहनें हैं, लेकिन कुछ बहनों से फिर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। सुश्री सुनीता बिलवाल, सावन माता स्व सहायता समूह, बैठी है क्या? श्योपुर जिले से। नमस्ते मेरी बहन, कैसे हो आप? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। बस मैं तो बहनों से क्रांति करवाना चाहता हूँ, आप तैयार हो इसके लिए? जी भैया, तैयार हूँ। अभी क्या कर रहा है आपका ग्रुप समूह? भैया अभी तो हम बहुत अभी से रही है, मास्क का काम कर रहे हैं और सैनिटाइजर कर रहे हैं और अभी तो बस यही हो रहा है। और भैया अच्छा अच्छा मैं आजीविका एक्सप्रेस चलाती हूँ। क्या करती है आजीविका एक्सप्रेस, बताओ ना। जान चलाती हूँ भैया, हमारे समूह में जुड़े थे, हमारे दिलवाल साहब आए थे, वहाँ से हमारे समूह के बड़े अधिकारी, उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी और उन्होंने उनके हाथ से मुझे गाड़ी दी थी। मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि हम मैंने सोचा ही था जीवन में कि जंगल जाना था, कभी सोचा ही था कि हम ऐसे मालकिन बन जाए, अरे वाह, श्योपुर से अहमदाबाद सीधे। बहुत अच्छे, बहने का ठान ले तो कौन डरा सकता है, कोई नहीं डरा सकता। और भैया मेरे पति दिखलाए इसलिए उनका वो भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला लेते हैं तो उनका उनके बराबर मिला के काम करती हैं। अगर वो गाड़ी पे चले जाते हैं अभी तो मैं तो घर का काम करती हूँ भैया, ट्रैक्टर चलाती हूँ मैं। अभी जोधपुर जिले में ट्रैक्टर चलाया था मैंने 26 जनवरी से, कलेक्टर मैडम के सामने महिलाओं को बिठा के आवाज दिया। बहुत अच्छे, इसी हिम्मत से काम करो और ये भी सोचो कुछ और क्या कर सकते हैं, जो आज मैंने बात बताई ना। बहुत बहुत बधाई। अच्छा मुर्गी मुर्गा पालन भी होता है? वो भी कर रहे हैं और बीज भी लाने, अभी फल भी लगाए हैं, अमरूद के पौधे भी लगाए हैं और अभी मछली पालन भी कर रहे हैं। सब ये धीरे करके भैया एक साल में ना 5,000 रुपए की इनकम हो जाती है, मैं मिनिमम बचा लेती हूँ इस साल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरे समूह की मिला के होती ना? हाँ, नहीं भैया पूरे समूह की मिला के भी कर लेते हैं। देखो हाँ, आइए हमारी रिक्वेस्ट है कि और अब क्या है भैया कि देखो रोड ऊपर खबर है ना, है ना, तो अब हमारे सीओ साहब जी से और डीएम साहब से कहिए कि हमको एक और गाड़ी दे कि वो स्कूल चला कर नई और चलाएंगे हम। ठीक है, ये योजना बनाएंगे। बहुत अच्छी सुनीता, आपने एक नई राह दिखाई है। हमारे स्व सहायता समूह भी ये गाड़ी चला सकते हैं आजीविका एक्सप्रेस। ये बाकी भी जिलों में बाकी जिलों में भी ये सोचा जा सकता है, जहां जहां संभावनाओं ये काम दिया जा सकता है। मैं सुनीता को
बहुत बधाई देता हूँ, और बाकी बहनें भी सुनीता से सीखे। मैं कोशिश करूंगा कि गांव में आके मिलूंगी भी, मिलूंगा भी आपसे। नमस्ते। नमस्ते। बहन रूही बेगम है क्या, शहडोल जिले की चरण उदी से? हाँ बताओ, क्या क्या करती हो बहन? स्व सहायता समूह क्या करता है आपका? और मेरे ग्राम संगठन का नाम है अटल महिला ग्राम संगठन, जिसमें मैं सदस्य हूँ। और मेरे थिएटर का नाम है उन्नति कल्चर लेवल फेडरेशन, जिसमें मैं सदस्य हूँ। मैं अपने गांव में किसी सीआरटी के रूप में काम करती हूँ। और मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी स्थिति बहुत दयनीय थी, जैसे कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति खराब थी, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा ज्यादा होता है। तो इस कारण से हम लोग का बाहर निकलना और जैसे कहीं जाना ये सब नहीं हो पाता था, और घर के पैसे न रहने के कारण भी अच्छी सुख सुविधा नहीं हो पाती थी। और जब से मैं समूह से जुड़ी 5 जून 2013 से, समूह से जुड़ने के बाद में हम अपने समूह में बैठक करते और छोटी छोटी बचत करते, इसके बाद में लेन देन करके थोड़ा बहुत हम अपना सहयोग कर पा रहे थे। इसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमारा प्रशिक्षण हुआ, जैसे हमारे बुक कीपिंग का प्रशिक्षण हुआ और कृषि सचिव का प्रशिक्षण हुआ। जब कृषि सचिव का प्रशिक्षण लेके मैं अपने गांव आई, अपने घर आई, तो मैं अपने घर से स्टार्ट की। भैया मैं अपने घर में खुद से मेरे यहाँ टमाटर लगी हुई थी, तो मैं प्रशिक्षण में जब देखी थी कि टमाटर को हम गंदा से बांध देते हैं, तो ऐसे मैं बांधी। और खट्टी छाछ, ये जो मठा होता है वो पुराना मठा को डालो तो उससे जो कीड़े लगते हैं ये सब नहीं लगते। इसके अलावा मैंने खुद एस आर आई विधि से अपने घर पे खेती की, धान की, जिसमें नीम आस, ब्रह्म आस, अग्नि आस और द्रव जीवा अंग्रेज, धन जीवा अंग्रेज, घून आदि, कटियन आदि और गर्मी कंपोस्ट का तैयार की, जिसमें से हम हमारी जो लागत होती है वो कम लगती है, हमारे ऊपर अच्छी मिलती है। और जब मेरे घर पे काम अच्छा होने लगा और मेरे गांव की दीदियाँ भी जो अगल बगल वाली थी और समूह वाली थी।